वेलकम बैक, आपका एक बार फिर से स्वागत है स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर में। अब हम आज जो है आगे का डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे मोड इन डिस्क्रीट सीरीज़ और इंडिविजुअल सीरीज़, इस दोनों में हम कर चुके थे, ये कंप्लीट हो गया था। आज हम डिस्कस करेंगे मोड इन कॉन्टीन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज जैसा कि आपको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है, जिसमें जब डेटा रेंज में अरेंज होता है, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से कि व्हेन द एक्यूरेट फिगर ऑफ डेटा इज नॉट गिवन, डेटा इज अरेंज्ड इन रेंज, एक पर्टिकुलर रेंज में डेटा दिया होता है और उस रेंज के डेटा से जो रेंज होती है उस रेंज की फ्रिक्वेंसी गिवन होती है, ठीक है ना। तो जब डेटा रेंज में गिवन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। उस कंटिन्यूअस सीरीज में आपको जो है फिर कैलकुलेशन करनी होती है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर हम इसमें उसका देखें मोड का, तो उसका फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, मोड इक्वल टू, यानी कि मोड को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, जेड इक्वल टू एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू आई। ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं कब, जब मोड को आपको कंटिन्यूअस सीरीज में कैलकुलेट करना है। तब अगर आपको मोड कंटिन्यूअस सीरीज में कैलकुलेट करना है तो आप जो है इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसमें समझ लीजिए, वेयर एल वन क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, अभी नोट कर लो, मैं बाद में सब समझा दूंगा। एफ वन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। एफ जीरो क्या है, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। एफ टू क्या है, फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। और आई क्या है, इंटरवल बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ये इस फॉर्मूले की सभी प्रॉपर्टीज है कि पहला होगी, पहले तो फॉर्मूला लगाना है L1 वन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू आई। एल वन क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। एफ वन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। एफ जीरो क्या है, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है उससे एक पहले की फ्रीक्वेंसी। एफ टू क्या है, फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है उसके बाद की फ्रीक्वेंसी। और आई क्या है, इंटरवल बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ये उसकी हो गई प्रॉपर्टीज। अब एक इलस्ट्रेशन करेंगे और उस इलस्ट्रेशन से ये आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, राइट। तो इसे हम साफ कर देते हैं, अब देखिए एक इलस्ट्रेशन है कि फाइंड आउट द मोड
फ्रॉम द मार्क्स ऑब्टेंड बाई सम स्टूडेंट. इलस्ट्रेशन है फाइंड आउट मोड फ्रॉम द मार्क्स ऑब्टेंड बाई स्टूडेंट्स. डेटा दिया हुआ है इस तरीके से, दिया हुआ है मार्क्स एंड स्टूडेंट्स. ठीक, मार्क्स दिए हुए हैं 0 to 10. इसको इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में बना देता हूँ मैं. जीरो टू टेन, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50. ठीक, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं 5, 7, 15, 25 and 8. क्लियर? तो मार्क्स को हम मान सकते हैं वैल्यू, वैल्यू मान कह सकते हैं ही. मार्क्स क्या है? जो वैल्यू गिवेन है तो उसे लिख सकते हैं एक्स. और इस फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को दिस इज द फ्रीक्वेंसी एफ. अब देखिए आप वही चीज जो हमने पहले डिस्क्रीट सीरीज पढ़ी थी कि डिस्क्रीट सीरीज में अगर हमें मोड कैलकुलेट करना है सो देयर इज टू मेथड्स. पहला इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा ग्रुपिंग मेथड. इंस्पेक्शन मेथड कब यूज करते हैं? व्हेन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन इन अ रेगुलर पैटर्न. जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलर पैटर्न में दिया हुआ हो तो फिर उस मोड की प्रॉब्लम को हम इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं. और अगर नहीं, रेगुलर पैटर्न में नहीं है तो उसको हम ग्रुपिंग मेथड से करते हैं. तो इसको देख लीजिए, ये जो है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट एक रेगुलर पैटर्न में ही है. क्यों? पहले 5, फिर इंक्रीज हुआ 7, फिर इंक्रीज हुआ 15 और फिर इंक्रीज हुआ 25, उसके बाद वो डिक्रीज हुआ. यानी कि वो एक लिमिट तक एक कॉन्स्टेंट पैटर्न में वो इंक्रीज हुआ है. तो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये रेगुलर पैटर्न में है. तो आप लिख सकते हो सिंस द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अबव प्रॉब्लम या अबव इलस्ट्रेशन इज इन रेगुलर पैटर्न, देयरफोर इट विल बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग इंस्ट्रक्शन मेथड. आप लिखेंगे पहले सिंस द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अबव इलस्ट्रेशन, सिंस द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अबव इलस्ट्रेशन इज इन रेगुलर पैटर्न, देयरफोर इट विल बी मीन्स इलस्ट्रेशन, इट विल बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड. ठीक, अब इसे आप यहां लिखिए पहले मार्क्स और स्टूडेंट्स, पहले इतना लिख लीजिए. और इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि आपको ग्रुप नहीं बनाना है. ठीक, मार्क्स दिए हुए हैं क्या? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50. नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे दिए हुए हैं? 5, 7, 15, 25 एंड 8.
अब इंस्पेक्शन मेथड में क्या देखते करते थे, इंस्पेक्शन मेथड में हम करते क्या हैं कि जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है इंस्पेक्शन मेथड में, द वैल्यू विच हैव द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज रिगार्डेड एज द मोड वैल्यू ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, कि अगर किसी इलस्ट्रेशन में या किसी प्रॉब्लम में जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसी वैल्यू को मोड वैल्यू हम मान लेते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो किस रेंज की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, 25 इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 25, और 25 के लिए क्लास इंटरवल क्या है 30 to 40। तो यहाँ लिखोगे आप सिंस द क्लास इंटरवल थर्टी टू फोर्टी हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दस इट विल बी रिगार्डेड एज मॉडल क्लास। अब आपको मोड कैलकुलेट करना है, तो मोड का फॉर्मूला क्या बताया था, लिख लेता हूं फॉर्मूला पहले, एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू आई, यही था फॉर्मूला। अब देखिए, अब एक एक चीज समझिए, एल वन क्या बताया था, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, एल वन क्या था, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो अब मॉडल क्लास क्या है 30 to 40, मॉडल क्लास क्या है 30 to 40, और 30 to 40 में लोअर लिमिट क्या है 30, तो L1 हो गया 30, ठीक। F1 क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास क्या है 30 to 40, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 25, तो 25 हो गया F1, ठीक। फिर क्या F0, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास से पहले की फ्रीक्वेंसी, तो मॉडल क्लास क्या है 30 से 40, इससे पहले की फ्रीक्वेंसी क्या है 15, तो 15 हमारा हो गया F0। फिर F2, F2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के बाद की फ्रीक्वेंसी, यानी कि मॉडल क्लास 30 से 40 है, इसके बाद का मॉडल क्लास 40 से 50 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 8, तो 8 हो गया हमारा F2। अब सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब इसमें और एक चीज़ रह गई है, आई, आई क्या बताया था, इंटरवल बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास क्या है 30 से 40, 30 और 40 में कितना डिफरेंस है 10, तो आई हो गया 10, क्लियर। अब इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, तो L1 की जगह लिख दो 30 प्लस F1 की जगह लिख दीजिए आप 25 माइनस F0 की जगह लिख दीजिए 15 अपॉन 2F1, यानी कि 2F1 क्या होगा 2 इंटू F1 यानी 50 माइनस 15 माइनस F2 कितना है 8 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 30 प्लस ये बचा 10 अपॉन ये बचा कितना 27, 27 इंटू ये 10, तो 30 प्लस ये हो जाएगा 100, 100 अपॉन 27, अब 100 को डिवाइड कर दो 27 से, तो 3 और बचेगा 19, 3.6 मान लो 3.6 और अप्रोक्सीमेट 3.6, तो मोड आपका आ जाएगा 33.6 अप्रोक्सीमेट, बिकॉज मेरे पास अभी वो नहीं था कैलकुलेटर, इतना ही है, ये हो जाएगा।
दिस इज़ द आंसर ऑफ मोड। इस तरीके से हम कंटिन्यूस सीरीज में मोड को कैलकुलेट करते हैं। ठीक, सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट मोड इन द कंटिन्यूस सीरीज। क्लियर। तो अब मोड का मैं एक लेक्चर और लूँगा, वो लेक्चर मैं कल लूँगा, आज नहीं लूँगा। तो अभी ये है कि इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, ये इंस्ट्रक्शन मेथड में था। अब नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल मैं कराऊँगा, वो ग्रुपिंग मेथड का होगा, कि ग्रुपिंग मेथड में कैसे हम करते हैं कंटिन्यूस सीरीज में। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।